ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो कि अपने जियो में डबल धमाका ऑफर वाला रिचार्ज करने जा रहे हैं या फिर रिचार्ज कर चुके हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो अपना रिचार्ज को रिडीम करने वाले हैं। तो रुको रुको रुको, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताने वाला हूँ। अगर आप रिचार्ज करने वाले हैं, अपने जो कूपन है और जो रिडीम करने वाला जो कूपन है 1.5 GB वाला, उसको करने जा रहे हैं, तो पहले मेरी बात को सुन लीजिए, उसके बाद आप अपना रिचार्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात मेरी ये है कि अगर आप डबल धमाका रिचार्ज कराने जा रहे हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक मेन रीज़न यही है कि उसमें आपको 1.5 GB डेटा एक्स्ट्रा मिलने वाला है। मगर आपने अगर 1.5 GB डेटा को अगर आपको रिडीम करना है तो आपको ये बातें ज़रूर सुन लेनी चाहिए। तो मैं आपको सीधा पॉइंट पे लेके जाता हूँ, बातों को घुमाऊँगा फिराऊँगा नहीं। जैसे कि अगर आपने रिचार्ज कराया, तो अगर आप 1.5 GB डाटा वाला जो आपका कूपन है उसको अगर आप रिडीम कर लेते हैं और आपका जो करंट प्लान एक्टिवेट है तो वो उसके साथ ही रन करेगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल देके बताता हूँ। आपने एक मतलब डाटा पैक पहले से आपका एक्टिवेट किया हुआ है जो कि 70 दिन का था, आपके उसमें से 50 दिन निकल चुके हैं और आपने आपके जो डाटा पैक बचा है वो उसका 20 दिन बचा है, ठीक है। और अब आपने वो 1.5 GB वाला जो डाटा का जो पैक है उसको अब अगर आपने अभी एक्टिवेट कर लिया तो आपके साथ होगा क्या कि वो सिर्फ अभी वाले डेटा पैक के साथ एक्टिवेट होगा और 20 दिन तक की उसकी वैलिडिटी रहेगी और फिर वो बंद हो जाएगा। तो इससे नुकसान आपको क्या होगा कि आपको जो अपना पुराना वाला डेटा पैक है जो आप नया वाला ले रहे हैं उससे तो आपको फ़ायदा नहीं हो पाएगा, बट आपका पुराने वाला के साथ ही आपको वैलिडिटी है उसकी वो कम हो जाएगी। तो आपको एक्चुअली में करना क्या है कि अभी आपको वेट करना है, आपके अपने डाटा पैक को रिडीम नहीं करना है, आपको रिडीम करना है तब जाके आपका ये वाला जो डेटा पैक है वो ओवर हो जाए और आपका सेकंड वाला डेटा पैक एक्टिवेट हो जाए तब आप उसके साथ रिडीम कर लीजिए, क्योंकि आपको उसके साथ उसकी वैलिडिटी पूरी मिल जाएगी। आप इस चीज़ को मत ध्यान में दीजिए कि आपको 30 तारीख से पहले ही इसको करना है, क्योंकि रीज़न ये है कि आपको रिचार्ज 30 दिन से पहले करना था। रिडीम करने की कोई लिमिट नहीं है, रिडीम आप जब मन में चाहे जब कर सकते हैं। मगर मेरी रिकमेंडेशन आपसे यही रहेगी, अगर आपने रिचार्ज अभी 3-4 दिन पहले ही कराया है तो आप इसको रिडीम कर सकते हैं, मगर आपके बहुत ज़्यादा दिन निकल चुके हैं और आपके पुराने डाटा पैक ख़त्म होने में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं तो अभी आप रिचार्ज मत कराइए। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको अपना डेटा पैक रिडीम करना है या नहीं करना है, ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है और आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कितने दिन बच रहे हैं और आप रिचार्ज करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो मत कीजिए। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, देख लिए धन्यवाद और बने रहिए दिन धीरे के साथ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।